चलिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, 15 मिनट का फ्री ट्रायल है, 15 मिनट फ्री ट्रायल है कि आप देख सकते हैं आपको अगर रिलीज मिल रहा है 15 मिनट में, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे मन का है तो आप उसको कराइए फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उससे अच्छा क्या चाहिए, 15 मिनट का ट्रायल आपको मिल जाना है। तो भाई क्या हाल है सभी के, राम राम सभी को भाई। तो भाई यार ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई, जितने भी फिटनेस फ्रीक है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन उन लोगों के लिए वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्पेशल है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं बताता हूँ आपको, बनारस का ये पहला ऐसा ही जगह मैं जहाँ लेके आऊँ, बनारस का पहला ऐसा ये सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर है। इसके पहले कभी आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा कि स्पोर्ट्स मसाज सेंटर कहीं ऐसा है। तो मैं वहीं पर खड़ा हूँ, आप ये हल्दी देख रहे हैं, हल्दी के ठीक सामने है, रविनपुरी लेन में है, एथलीट कॉर्नर करके है। तो आपको यहाँ लेके चलूँगा, पूरा डिटेल बताऊँगा क्या है कैसे है, स्पोर्ट्स मसाज में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, यहाँ पे सब कुछ है, कपिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ हैं शिशिर भाई हैं, एथलीट कॉर्नर इन्हीं का ही है, इन्हीं से जानेंगे स्पोर्ट्स जो इनका जो कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स मसाज का जो भी है, ये कैसा कॉन्सेप्ट और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो शिशिर जी सबसे पहले ये बताइए जो आपके एथलीट कॉर्नर जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, समझ में भी आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है, उसको डिटेल में समझाएंगे थोड़ा। देखिए एथलीट कॉर्नर जो पहले नाम से ही डिस्क्राइब होता है, एथलीट का कॉर्नर मतलब एक ऐसा कॉर्नर जहाँ जो सिर्फ एथलीट्स होते हैं स्पेशली, ठीक है। अब एथलीट्स हम काफी लोग हैं, जिम फ्लिक्स, फिटनेस फ्लिक हो गया, रनर्स, एथलीट्स, पावर लिफ्टर, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उन सबका एक वन स्टॉप सोल्यूशन हमारे सेंटर में है एथलीट कॉर्नर, जहाँ पे सारी की चीजें हैं जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेके स्टैंडर्ड जितने भी हैं गाइडलाइंस उन सबको फॉलो करते हुए, उनकी जैसे भी जिस भी तरीके की इंजरी हो, इवेंट से पहले की इंजरी, इवेंट से बाद की इंजरी हो, ड्यूरिंग इवेंट अगर आपको कोई कभी कभी छोटा सा इंजरी के चलते भी बहुत सारा अलग प्रॉब्लम हो जाता है कि स्पोर्ट्समैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने चीज़ों को निगोशिएट कर लेते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा चल जाएगा अवॉइड, तो चल के फिर वो आगे गेम नहीं चल पाए किसी वजह से, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में, इसलिए बनाना सो रिपीट हमारा स्पोर्ट्स में आगे टैलेंट होता है हमारे पास, लेकिन हम लोग उसको अपनी इंजरी, अब जैसे मुझे एल्बो की इंजरी नहीं है, आप भी सुने होंगे एथलीट कॉर्नर, सबको पता है ना बनारस में सब पहला है ये स्पोर्ट्स कॉर्नर, जिसमें सारी स्पोर्ट्स जितने भी आप जितने भी गेम आते हैं, कबड्डी हो गए, हॉकी हो गए, आपके फिटनेस भी जितने भी रनर्स हो गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कहीं आपको बाई चांस चोट भी लगे आप ध्यान नहीं दिए, उसको नज़रअंदाज कर दिए छोड़ दिए, वो आगे चल के बाद में प्रॉब्लम कर जाती है। तो उससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशन है वो जाना जाएगा इस वीडियो में, ठीक है, कैसे उस चीज़ को आप सही कर सकते हैं, करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, उसलिए इस वीडियो में हम लोग जाना जाएगा। तो कुछ बताइए इसके बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो उसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट है, पहला है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जिसको हम लोग स्पोर्ट्स मसाज, स्पोर्ट्स मसाज जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी शहरों में चल रहा है, क्योंकि यूपी में अभी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग अखाड़े वाले जाते हैं, उनको वही मसाज चाहिए उनके ऊपर कोई चल के उसको दबा दे। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने कहा है, स्पोर्ट्स मसाज है बहुत जगह, ठीक है, यूपी में कहीं नहीं है, है मसाज, लेकिन आप लोगों को उन्होंने बताया जो अखाड़े वाले जो होते हैं ना मसाज करते हैं, हाँ वो बस एक थोड़ा सा दबाना, बॉडी को दबाना, खाली सुना दे दबाना हो गया बस वही, हाँ और मुझे लगता है कि हमारा मसाज हो गया, वो मसाज नहीं होता, मसाज बॉडी सबको पता है कि बॉडी कितने तरीके से बना हुआ है, अलग 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 मसल्स है, अलग अलग उनका प्रेशर देना, तो सिर्फ हमारे यहाँ और हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स मसाज है उससे आपको कभी फ्यूचर में इंजरी नहीं होगी, आपकी जो इंजरी पहले से वो भी ही होती रहेगी, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उसके लिए कई सेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए कई सेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका ट्रेनिंग कितना हार्ड है, कितना इंटेंस है, अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग, तो आपको वीकली लेना चाहिए, अगर आपकी ट्रेनिंग मॉडरेट है, ठीक, जैसे जो जिम फ्लिक्स होते हैं जिनका वर्क शेड्यूल होता है हफ्ते में चार दिन, तो उनके लिए 10 डेज़ प्रेफरेंस हमारे तरफ से, और ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं कि आज बहुत ज़्यादा सर पेन कर रहा है, तो अपना
तो उससे रिलीफ तो मिलता ही होगा काफी। 100% हमारे अभी 100 प्लस क्लाइंट्स हैं, 100 प्लस तो मैं समझ सकता हूँ कि रिलीफ मिल रहा है तभी तो हमारे पास आया है, वरना आजकल के जमाने में तो कोई दोबारा कहीं जाने के लिए सोचता है। हमारे क्लाइंट्स रिटर्न आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने जो काम सही स्टार्ट किया वो सही। तो ये आपका स्पोर्ट्स मसाज था ना? जी ये मसाज, अब इसमें एडवांस ट्रीटमेंट जो हमारे पास है डीप टिश्यू है, कपिंग है, डीप टिश्यू पोस्चर करेक्शन है। डीप टिश्यू में क्या करता है? डीप टिश्यू में डीप फेशिया में हम लोग प्रेशर से टेंशन रिलीज करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है हमारे पास की टीम उनके द्वारा किया जाता है। डीप टिश्यू का एक इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखाऊँ लोगों के बीच बहुत है, ये ISTM टूल होता है, ठीक है। सर्टेन इसमें आप जो देख रहे हैं कॉर्नर्स बने हुए हैं और जो इसका एंगल है वो अलग अलग बॉडी पार्ट जिसकी जैसी एनाटॉमी मसल एनाटॉमी के हिसाब से अलग अलग प्रेशर के हिसाब से इसका यूज किया जाता है। ये डीप टिश्यू में यूज किया जाता है? ये डीप टिश्यू में यूज किया जाता है। और जैसे अभी आजकल आप लोग जितने भी फॉरेन एथलीट्स हैं देख रहे हैं कपिंग बहुत है। कपिंग थेरेपी भी बना चुका हूँ जी, कपिंग थेरेपी जो है उसमें भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग हिजामा को ही कपिंग समझते हैं। अच्छा, हिजामा अलग है कपिंग अलग है? जी बिल्कुल, हिजामा अलग है कपिंग अलग है। हिजामा थेरेपी जो है वो आपके सर्टेन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और वहाँ से DHT जो ब्लॉक है उसको हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो स्पोर्ट्स मैन है उनको DHT ब्लॉक नहीं होता, उनके यहाँ लैक्टिक एसिड होता है, जो मसल फाइबर टूटती है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से उनको पेन होता है। लोग समझ नहीं पाते यार जिम जा रहे हैं उनको पेन क्यों, वो होता है लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन। तो जो कपिंग थेरेपी हमारे पास है, कपिंग मसाज जो हम लोग इसको नाम दिए, ये भी फॉरेन में बहुत ज्यादा है, फॉरेन में ज्यादा है और बहुत इंडिया में तो काफी बॉम्बे बॉम्बे में मान लीजिए बॉम्बे में तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। कुछ साल पहले तो अभी कुछ साल इंडिया में आने लगा है और इंडिया में तो यूपी में भी बहुत कम ही लोग अभी कर रहे हैं। यूपी में अब जाके एक साल के अंदर कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। आपने बताया ना अभी एथलीट जब कोई एथलीट पर स्पोर्ट्स मसाज है ये भी एक लौता है सेशन लिया जाता है यहाँ पे। डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर सुनील यादव सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है। अच्छा, डॉक्टर सुनील कुमार यादव है सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, उनके अंदर यहाँ देखा जाता है कोई भी प्रॉब्लम हो। उसके अलावा बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ लोगों को छोटी सी नॉलेज लेवल हो जाती तो हमें आपको तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हटाना ये चीज़ें। बाकी बाहर जो मैंने एरिया दिखाया है वो उसके सेशन के लिए, आपके कपिंग के सेशन के लिए है, मसाज के सेशन के लिए है, टिश्यू के लिए है। काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कपिंग के बारे में, जैसे आकाश जी ने अपने पिछले वीडियो में हिजामा के बारे में वो हिजामा था जी, तो मैं उसके बारे में आपको बता चाहूँगा कि कपिंग मसाज जो है आपने देखा होगा होता बेसिकली हिजामा टाइप ही है, ठीक है। ये कप होता है और ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया ये तो एकदम हिजामा की तरह अंतर, तो इसका एक वीडियो आकाश जी अभी डालेंगे उसमें। हाँ, वो मैं दिखा दूंगा कि क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, कोशिश करूंगा इसके बारे में आपको मिलता है ये भी बता देंगे। कोशिश करूंगा जो स्पोर्ट्स का मसाज जो आपने बताया ना जो ये वाली कौन सा था ये डीप टिश्यू, हाँ डीप टिश्यू उसका भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो मिल जाए तो उसको भी मैं दिखा दूंगा डीप टिश्यू कैसे किया जाता है। तो बाकी टिश्यू कपिंग और स्पोर्ट्स मसाज कन्फ्यूजन बहुत है लोगों, यही क्लियर करना है ना। अभी भी इस वीडियो से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे भाई, एक चीज़ बता दूंगा कंफ्यूजन थोड़ा सा भी लगे, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर वीडियो देखिए समझ में आया कि यार मेरे मतलब का वीडियो है और कंफ्यूज हो तो एक नंबर मैं दे दूंगा इस पर डिस्क्रिप्शन में, इस पर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर कॉल कर लेना, कॉल करके क्लियर कर लेना सारी भी जो कन्फ्यूजन है। और ऐसे मान लीजिए कोई अगर चाह रहे ट्रायल लेने के लिए कुछ ऐसा कुछ भी है? हाँ, ट्रायल हमारे पास 15 मिनट्स का फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल क्योंकि हम तो नया कॉन्सेप्ट लेके आए, लोग अगर जानेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो 15 मिनट के बाद बताइए कि मतलब फ्री ट्रायल ही सीख लेना है आप तो उसको? हाँ, तो फ्री ट्रायल 15 मिनट से हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद उसकी मर्जी है, उसके बाद वो कराना चाहे तो उसकी मर्जी। तो चलिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, 15 मिनट का फ्री ट्रायल है, 15 मिनट फ्री ट्रायल है कि आप देख सकते हैं आपको रिलीफ मिल रहा है 15 मिनट में, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे मन का है तो आप उसको कराइए फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे अच्छा क्या चाहिए, 15 मिनट का ट्रायल आपको मिल जाना है कहीं पर, क्योंकि लोगों के बीच अभी कन्फ्यूजन बहुत है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये चीज़ें हैं, चीज़ें जब तक जानेंगे नहीं कैसे पता चलेगा उनके लिए बना है कि नहीं, कैसे पता चलेगा उनके लिए बना है कि नहीं। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आते हैं, स्प्लिंटर है, स्प्लिंटर है,
वो अभी आया था, तो उसकी डीप टिश्यू वो दिल्ली में ऑलरेडी 6 सेशन करके आया था, वो यहाँ से एक सेशन लिया, उसका पोस्चर करेक्शन भी हुआ था। एक सेशन के बाद उसके कोच ने कहा कि ऐसा है कि तुम अपना 50% लगा, लेकिन वो ग्राउंड पे गया तो बोला भैया मैं अपना 50% लगा रहे थे तो भी मेरा जो स्प्लिंटन का टाइमिंग था 55 सेकंड का था, मेरा 40 सेकंड गया। 50% एफर्ट में उसका 45 सेकंड गया। उसने कहा भाई 100% लगा दिया क्या बोला, अभी डीप टिश्यू के बाद बॉडी इतनी फ्री होगी कि समझ ही नहीं आता है कि मैं अपना 50% लगा रहा हूँ कि 100% लगा रहा हूँ, क्योंकि स्टिफनेस पूरी तरीके से। जिम में भी बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग वर्कआउट करते हैं बॉडी की नीड होती है मसाज, बट वो उस पर ही करते रहते हैं और कहीं कहीं भी कोई मसाज कराए लगता है कि यार मेरी बॉडी रिलीफ हो गई है। एनाटॉमी के हिसाब से अगर मसाज नहीं होगा, जैसे कि बाइसेप पर बहुत ही छोटी मसल्स होती है, उस पर लोग लोड बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत लोड देते हैं हर दूसरे दिन बाइसेप पे, परेशान होने की मेरी बॉडी बनती हुई नहीं है। तो डाइट ले रहे, वर्कआउट कर रहे, इतना हार्ड वर्कआउट करते हैं, अच्छा इवन मसाज भी दे रहे तब भी नहीं बन रही, फिर भी नहीं बन रही। वो जानते क्या होता है, क्योंकि वो मसल्स छोटी है, यही छोटी छोटी चीज जानने लायक है। ठीक है, तो इनसे मैं बता रहा हूँ, शिशिर भाई भी सर्टिफाइड है, आपका था मिस्टर यूपी गोल्ड मेडल, मिस्टर यूपी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, तो कभी मान लीजिए मसाज कराने आ भी गए तो कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग भी है, क्लियर कर सकते हैं। नए बंदे जो नए जिम जा रहे हैं उनके लिए फ्री कंसल्टेंट, कोई चार्ज नहीं है क्या मिलेगा तुम्हें भाई, कौन सा सप्लीमेंट यूज करना है आपको, किस हिसाब का, आज ट्रेनिंग चीज जानना बहुत जरूरी है। लोग वर्कआउट कर रहे हैं बस देख ले रहे हैं, यूट्यूब पे देख ले रहे हैं, किसी से सुन ले रहे हैं, पहले दिन तो लोग बंदे जा रहे हैं बस उनको बाइसेप चाहिए ना, कि कितने लोग को हम देखें भाई एक एक हफ्ते में 3-4 दिन बाइसेप मारते हैं, तो भाई एक मसल को मैक्सिमम, हाँ कुछ नहीं होता, आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा लेकिन आप अंदर मसल को इतने तोड़ रहे हैं ना भाई, और उसको रिकवरी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मसाज का जो सेशन है वो रिकवरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसाज से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का जो भी प्रोडक्शन होता है वो रिलीज हो जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन जाता है, मोबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो उसके बाद जब आप वर्कआउट करने जाओगे तो आपकी बॉडी हल्की महसूस होगी। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका पहले डेडलिफ्ट था 110, 120, 130, इवन 160 लोग भी करते हैं, डीप टिश्यू के 2 सेशन के बाद उनका वो वेट बढ़ गया 210-215, बहुत ज्यादा 50 किलो बढ़ गया सीधे सीधे, बॉडी फ्री हो जाती है ना, बॉडी फ्री जाती है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो अभी हाँ, तो अपने पास अभी ये फिलहाल इतना ही मसाज का, हमारे पोस्चर करेक्शन, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका पोस्चर गड़बड़ होता है, समझ ही नहीं है पोस्चर गड़बड़ है, जैसा भी मैं भी किसी का तरीके से, किसी का शोल्डर डाउन होता है, किसी का पैर छोटा बड़ा होता है, बहुत लोगों का मैं देखा पोस्चर करेक्शन हमारे यहाँ होता है। अच्छा, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जो इसमें भी रिलीव मिलता है पोस्चर करेक्शन, जी जी जी, इसको भी कुछ अभी आपके कुछ क्लाइंट होंगे ना उसको कुछ रिलीव है, पोस्चर करेक्शन का जो हमारा है, जैसे कि मैंने कभी एक स्प्लिंटर की बात करें उसका पोस्चर करेक्शन हुआ था, उसके बॉडी में 90 डिग्री की जगह 136 डिग्री था, मतलब शोल्डर का जो बैलेंस था वो जैसे हमारा फ्लैट है 180 डिग्री, उसका 136 डिग्री था, मतलब एक शोल्डर उसका डाउन था। ठीक है, तो उसके डीप टिश्यू के एक सेशन बाद उसके बॉडी में एटलीस्ट 20 डिग्री का बैलेंस है, मतलब उसे 6 डिग्री रह गया था सिर्फ एक सेशन से, सिर्फ एक सेशन से, और उसने अभी मेरे ख्याल से 12 सेशन लिए, अब वो वापस बोल रहा है सही हो गया। क्या नाम बताया मैंने मसाज का, डीप टिश्यू, नहीं डीप टिश्यू करा है क्या, पोस्चर करेक्शन के लिए। तो एक बात और उसमें पूछना चाहूंगा, समझिए फीमेल किसी को कराना हो मसाज तो उनके लिए क्या सुविधा है। अभी क्या है कि जैसा कि आपको पता है बनारस, ठीक है, और बनारस जैसे शहर में अगर आप फीमेल का हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उनको होम सर्विस दे, होम सर्विस दे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस जैसे शहर में मसाज को लोग एक गलत ट्रेंड में लेके चले, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो पहले वो मेंटेलिटी बदलनी बहुत जरूरी है, तो जब मेंटेलिटी बदलेगी तो चीज़ें आगे, तो होम मसाज पे क्या फीमेल ही जाती है, हाँ फीमेल जाती है, वो भी सर्टिफाइड रहती है, जी बिल्कुल, उसको भी नॉलेज रहता है, तो वाली कोई प्रॉब्लम आपको जैसे बाय चांस आपके घर में भी किसी को है, किसी लेडीज को है, आपकी वाइफ को, किसी को उनके घर में है, बूढ़ी अम्मा को है, दादी को है, मम्मी को है,
तो एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए कॉल करके, ठीक है? तो कंसल्ट कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, फिर उस बेस पे वो किसी को भेज देंगे घर पे, आपको इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी निकल आएगा। अरे जैसे कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम लोग को हो जाती है, स्लिप डिस्क की हो गई, वर्कआउट करते समय ज़्यादा हो जाती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, हैवी वेट उठा लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसके लिए क्या उसके लिए कुछ है उसके? हाँ, पहले तो मैं देखिए क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस भी होते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब है आजकल लोगों को गलत दिशा में देखते हैं, सही चीज़ें लोग नहीं ढूंढते, गलत चीज़ें ज़्यादा वो देखते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर, कोई स्पोर्ट्समैन फला वेट उठा रहा है तो हम भी उठा सकते हैं। ईगो ट्रेनिंग जो होती है उसी पहले उसको कम करना पड़ेगा। आप अपने आप को पहचानते हैं क्या, आप कितना वेट उठा सकते हैं, कितना वेट उठा आपका। अगली बात जैसे कि आपकी क्वेश्चन की कि स्लिप डिस्क क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके बीच में लिगामेंट्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को जोड़े होते हैं, तो वो लिगामेंट के बीच में स्वेलिंग को ही स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क है, ये स्लिप हो, उसी को स्लिप डिस्क, वो थोड़ी बाहर आ जाती है, वो सूजन होता है। अब आप उसको ही अब उसी पे आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, वो सूजन बढ़ती जाएगी, वो प्रेस करेगा, टाइम देना, तो फिजियो से सही हो सकता है, वो फिजियो से ही सही हो सकता है। उसमें आपको कुछ एक्सरसाइज होते हैं, बेसिक वो एक्सरसाइज कराया जाएगा, धीरे धीरे वो अपनी जगह पे आ जाएगा, बट टाइम लगेगा उसके लिए। तो ऑल इन वन स्पोर्ट्स मसाज सेंटर है भाई, जहाँ सारी चीज़ें होती हैं, चाहे जो भी फिटनेस, जिस भी फिटनेस आप बिलोंग करते हैं, हमारी फिटनेस से नहीं भी बिलोंग करते हैं, बस आप नॉर्मल पर्सन है, खाली डेली काम करने वाले, तो आपके लिए भी ये बहुत सही चीज़ है। मतलब स्लिप डिस्क का जिक्र इसीलिए किया, बहुत लोगों को हो जाता है। अभी जैसे लॉकडाउन में हमारे पास लॉकडाउन के बाद दो क्लाइंट आए थे, उन लोग का होम बेस पे वर्क फ्रॉम होम, उनके सर्वाइकल इंजरी हो गई, 24 घंटे लैपटॉप पे काम करने से सर छुपा रही थी, एक डीप टिश्यू ट्रांसफ्यूजन और उसमें सर्वाइकल में डीप टिश्यू दिया गया, सॉल्व हुआ कुछ। तो सर्वाइकल वाले का मुझे भी कराना है, सर्वाइकल का एक्चुअली मुझे भी शायद प्रॉब्लम है, तो मैं करा के फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मुझे क्या रिलीफ मिला, फिर भी मैं कराऊंगा तो बताऊंगा, फिर भी आप करा सकते हैं, सर्वाइकल हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, तो हर किसी को हो सकता है भाई, हर किसी को हो सकता है। हम लोग भी मोबाइल चला रहे 24 घंटे बैठ रहे हैं, सही हम लोग पोस्चर करेक्शन की बात है ना, पोस्चर करेक्शन बहुत जरूरी है, वो इसी सबसे होता है। हम लोग ऐसे बैठे हैं, अभी मैं भी बैठा हूँ, देखिए मैं ऐसे झुक के बैठा हूँ, इसी वजह से पोस्चर बहुत गंदा है। तो पोस्चर सबसे पहले सही करिए, और बाई चांस मान लीजिए आपका नहीं भी, आप एक वीडियो भी देखने से आप शायद नहीं समझ पाएंगे, बाई चांस इसका पहले का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार आके कंसल्ट करिए, ठीक है? इनसे कंसल्ट करिए, कंसल्ट की कोई फीस नहीं है, इन्होंने बोला कि आपका फ्री ट्रायल भी है, 15 मिनट ट्रायल भी, उसका भी कोई फीस नहीं, फ्री ट्रायल तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई भी ट्रायल लेगा, मैं 50 रुपया भी लेगा लेकिन लेगा जरूर आपसे, तो फ्री ट्रायल तो कहीं नहीं, फ्री ट्रायल लीजिए, आपको जैसा बेनिफिट मिले और लोगों से शेयर करिए। जैसे मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ मतलब का हो, आप इसको आगे शेयरिंग किसी और के मतलब का हो, तो भाई वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि भाई जैसा बता रहे पिछले ही वीडियो में, आपके मतलब का शायद ना हो, बट शेयर करो किसी और के मतलब का, उसके काम शायद आ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है? और लाइक करिए वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा भर दूंगा, कॉल कर लीजिए। हाँ, हेल्दी रेस्टोरेंट देख रहे हैं रविनपुरी, उसके ठीक सामने है, एथलीट कॉर्नर है, ये एक घर ही है, इसी के अंदर इन्होंने लेके बनाया है, यहाँ पे इसी जिस रूम में बैठा हूँ डॉक्टर बैठते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आइए कंसल्ट करिए, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो फिर शिशिर भाई हैं, हम हैं, कंसल्ट करिए, हम लोग से भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारी फीस बहुत ही कम है, लोगों को ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है, हाँ, फीस इतना बड़ा है, जिक्र ही नहीं किया, इतना बड़ा है तो महंगा होगा, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी बातें, महंगा होगा भाई, मैंने अभी क्या बोला कि ये महंगा, मुझे भी देखा महंगा लगा, बट जस्ट जाना इनसे कि वो काम क्या करता है, वर्क क्या करता है, वो मसाज नहीं है कि अखाड़े वाला मसाज हो गया, गंगा किनारे जो मसाज था चढ़ गया हो गया, या घर में किसी से दबवा लिए, तो वो चीज़ नहीं है, ये मालिश करते हैं, हाँ, मसाज नहीं होता, मसाज अलग ही चीज़ होती है, समझिए कि आपकी बॉडी को जरूरत क्या है, क्या कर रहा है। जैसे हमारे जो मसाज का है 300 रुपये से, 40 मिनट का सेशन है 300 रुपये, 300 रुपये में कहीं नहीं होगा, नहीं होगा, और वो भी हमारे स्पोर्ट्स मसाज है ना, आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन को दे रहा है, ये नहीं कि आपको चढ़ के बस दबा दिया, फिर 10 मिनट तक रिलीफ मिला, फिर उसी तरह हो गया, आपका दर्द भी आराम में, पैसे भी चले गए, तो इसी बेस का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी भूल चुकी माफ करना, ठीक है? फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ एथलीट कॉर्नर को, हाँ जरूर, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए आप एथलीट कॉर्नर को, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉल कर लीजिए, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा भाई आपको, फ्री ट्रायल जो मिले, ठीक है गाइस? चलिए फिर, बाय बाय, बाय, ठीक है भाई, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो
तो मैं नंबर शेयर किया हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, कॉल करके एक बार कंसल्ट कर लीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी 15 मिनट का फ्री ट्रायल मिल रहा है, एक बार के फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। बाकी डीप टिश्यू कपिंग जो भी कराना है उससे पहले आपको कि क्या चीज़ें नहीं भी समझ में आ रहा है, वीडियो देखने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कॉल करके कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। 15 मिनट का फ्री ट्रायल मिल रहा है भाई, एक बार तो आकर ट्राई कर सकते हैं। और बाकी करना आपको ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।